देखिए सब लौट रहे हैं। और तो फाइनली दोस्त हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे। दोस्त अभी हम बोट में चढ़ने वाला है और ये बोट का चलने का लाइन है। देखिए बारिश में भीगते हुए भी लोग बोट पे चलेगा। तो फ्रेंड्स एलिफेंटा केव्स जाने के लिए आपको 260 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, उसी में आप रिटर्न भी आ सकते हो। और बोट के ऊपर चढ़ने के लिए आपको अलग से 10 रुपये देना पड़ेगा। पैसेंजर फुल होने के बाद हमारा बोट आखिरकार एलिफेंटा गुफा की तरफ रवाना हुई। कुछ दूर जाने के बाद पीछे की तरफ ताज होटल पूरा दिखाई देने लगी और सभी लोग कैमरा में वो कैप्चर करने लगे। जितना हम आगे बढ़ते रहे उतने ही बड़े बड़े जहाज आंखों के सामने दिखाई देने लगी। जितना हम दूर जाने लगे उतना ही हम ठीक से मुंबई को समझने लगे कि पूरे मुंबई कैसे दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे आज तक हमने टीवी में या मोबाइल में देखते आए हैं। और पास में खड़ा था ढेर सारा जहाज। और करीब 1 घंटा 10 मिनट बोट में चलने के बाद हम पहुंच गए एलिफेंटा आइलैंड पे। हमने देखी है ट्रेन खड़ी है, ब्राइटन है, उसमें चढ़ के हम जाएंगे एलिफेंटा द्वीप पे। तो बहुत ही रोमांचकर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अभी हम चल रहे हैं एलिफेंटा केव की तरफ। टॉय ट्रेन का सफ़र वहीं तक था, छोटा सा राइड था लेकिन बहुत मज़ेदार था। फ्रेंड्स केव में जाने के लिए यहाँ पे टिकट खरीदना पड़ेगा आपको, 5 रुपये की टिकट है और बच्चों के लिए 3 रुपये का। ये देखिए दोस्तों सामने पहाड़ और सभी लोग जा रहे हैं केव की तरफ, तो हम भी जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है। तो केप की जाने के लिए जो रास्ता है उसके आजू बाजू में आपको बहुत से गिफ्ट आइटम का शॉप मिल जाएगा।
और रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा खाने के लिए। जाने के लिए यहाँ पे भी एक टिकट आपको लेना पड़ेगा जो कि 40 रुपीस मुझे पड़ा है। तो चलिए, टिकट काउंटर से 10 कदम चलने के बाद ही हमको गुफा दिख गई। एकदम नज़दीक में था गुफा। हम गुफा के करीब आ चुके हैं। ये रहा गुफा, ये सामने का गुफा है, अंदर भी और एक गुफा है। चलिए फ्रेंड्स, कैप के अंदर जाते हैं। और क्या बाकी, देखिए पानी गिर रहा है, पहाड़ का पानी गिर रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है। देखिए दोस्त, छतरी आता रुक जी दोस्तों, ये रहा पहला गुफा और ये जो रास्ता गया है यहाँ पे और भी एक है। तो चलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो बैठने के लिए कुर्सी लगा है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। जी ये देखिए और एक गुफा। देखिए बारिश हो रहा है लेकिन इतना अच्छा जगह है कि आप घूमने से इनकार नहीं कर सकते हो। देखिए और एक आ गया गुफा। ऐसे ही यहाँ पे गुफा है जो बहुत ही अच्छा है। जी देखिए यहाँ पे एक शिवलिंग मौजूद है। जी देखिए दोस्त, पहाड़ का पानी गिर रहा है। बारिश हो रही है इसीलिए नहीं, यहाँ पे हमेशा पानी गिरता रहता है। जो पहाड़ का पानी होता है ऐसा ही गिरता रहता है।
मुंबई जो पोर्ट है वो दिखता है साफ, बहुत दूर है। ये देखिए जहाज खड़ी है, पोर्ट है ये मुंबई पोर्ट। तो फ्रेंड्स हम पहुंचे हैं आखिरी गुफा पे, यही आखिरी गुफा है, इसके बाद और गुफा नहीं है। देखिए रास्ता बंद है, फिर आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। गुफा के नज़दीक आते ही एक अलग सी फीलिंग्स आने लगी, जैसे मानो यहाँ पे हम ही अकेले हैं और मेरे आसपास कोई भी नहीं। और गुफा के अंदर झांकते ही हमको बचपन में पढ़े हुए किताबें याद आने लगी। और आखिरी गुफा देखने के बाद हम वापस टिकट काउंटर पे आ गए और वहाँ पे सिक्योरिटी भाई साहब ने कहा चोटी पे जाने के लिए एक अलग रास्ता है, वहाँ पे आप साइट सीन देख सकते हो। के बाद हमको एक कौन कौन हिल मिला जो ऊपर जाने के लिए रास्ता है, तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और साइट सीन को दिखाते हैं। यह रहा उनका रास्ता ऊपर जाने के लिए। तो दोस्त चढ़ाई तो है लेकिन व्यू का मज़ा लेने के लिए आपको चढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से चढ़ाई करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स रास्ता पूरा सुनसान है, मैं अकेले जा रहा हूँ, सब लोग वापस लौट चुके हैं। बोल रहा था कि बहुत दूर है मत जाओ, लेकिन मैं अकेला ही जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं ऊंची पहाड़ और हम चल रहे हैं घने जंगलों में, एक एडवेंचर बोल सकते हो आप इसको, बहुत ही रोमांचकर है। लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है, हमको बोला है 5:30 बजे तक लौटने के लिए जिस बोट से हम आए हैं, और टाइमिंग दे दिया था कि 5:30 बजे तक हमको लौट के वापस जाना है। तो देखते हैं कितना पूरा हो सकता है, वही मैं कोशिश करूँगा। टी स्टॉल मिला हमको, देखिए सब लौट रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं। तो देखते कितना दूर तक हम पहुंच पाते हैं। ओ माय गॉड, और ये लीजिए व्यू पॉइंट, ओह वाव, इतना मेहनत करने के बाद अगर ऐसा व्यू मिले तो पूरा जो थकान है वो एकदम कम हो जाते हैं, सुकून सा मिल जाते हैं। वो देखिए यहाँ पे हम आए थे बोट से और इसी रास्ते से टॉय ट्रेन आया था हमारा, देखिए कितना दूर है। वाव, इतना मेहनत करने के बाद अगर ऐसा व्यू मिले तो पूरा थकान मिट जाते हैं। आगे और भी एक व्यू पॉइंट है, देखते हैं। देखिए नज़ारा, वाव, कहाँ पे चढ़ गए थे और यहाँ पे कुछ बना हुआ है, एकदम पहाड़ के चोटियों पे बना है, बहुत पुराना है। तो फ्रेंड्स
पहाड़ के ऊपर जाने के बाद आज लौटने लगे हम, क्योंकि टाइम है नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा जगह है, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। जी फ्रेंड्स, मेरा तो पसीना छूट गया यार, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है, एकदम रिलैक्सिंग है, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ खाने का पीने का छोटा छोटा स्टॉल मिल जाएगा, तो खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं अगर आप जेब भरा हो तो। और बुज़ुर्ग लोग कभी मत आइए, क्योंकि चढ़ाई बहुत है। देखो हम कैसे रास्ते से नीचे जा रहे हैं, तो इस बात को देखने के बाद ही आप आओ। हम अभी जो पॉइंट से हम शुरू किए थे चोटी पे जाने का, वही पॉइंट पे हम आ चुके हैं। और पीछे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे हम ऊपर चोटी पे जाने का चढ़ाई शुरू किए थे और यहाँ पे हम आ चुके हैं। और पीछे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। हम अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं और चारों तरफ आपको ऐसे दुकान मिल जाएगा, आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, गिफ्ट आइटम। ये देखिए दोस्त, मछली पकड़ने का जो नाव होते वो। और अभी हम वापस बोट में जा रहे हैं। वो देखिए, आपको दूर पे मुंबई शहर दिख रहा है, पूरा का पूरा मुंबई शहर है, बहुत बड़ा है। और इस साइड पे आपको आइलैंड दिखेगा, और इस साइड पे जो है वो है। समय आ चुका था एलिफेंट आइलैंड को बाय बाय बोलने का, समय आ चुका था वापस लौटने का। और ठीक उसी टाइम काले घने बादल आसमान को ढकने लगी। फिर भी लौटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, हम जो एलिफेंट गुफा पे आए थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं, क्योंकि हमने पूरा घूम के देख लिया। दोस्त, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट पे बताना कि वीडियो कैसे लगी है। और अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से लौटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शाम ढलने पे समुंदर का जो वेव है वो और भी तेज़ हो जाती है और बहुत ही बुरा हाल हो जाते है, थकान हो जाती है बहुत। इस डेढ़ घंटे में शरीर का हाल बेहाल हो जाएगा, तो जल्द से जल्द आप लौटने की कोशिश कीजिए। और टोटल जो मेरा खर्चा हुआ आने जाने का वो है 260 रुपये बोट का, 10 रुपये बोट के ऊपर चढ़ने के लिए, 5 रुपये टिकट, और फिर 40 रुपये टिकट लेना पड़ेगा, और हाँ 10 रुपये टॉय ट्रेन का। तो टोटल 325 रुपये खर्चा होगा। ये सिर्फ आने जाने का खर्चा है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव
फिर एलिफेंटा केव से गेटवे ऑफ इंडिया में टोटल आपका कॉस्ट बढ़ेगा 325 रुपये। तो ये था आज का हमारा वीडियो। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। अगर हो सके लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना।